फॉरेवर मत करना, फॉरेवर में बंदे जोड़ने का काम है, फॉरेवर में बहुत टेंशन है। क्या आप भी इस वीडियो में आकर यही सोच रहे हैं? हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, माय नेम इज साजिदा खान और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साजिदा खान में। अगर आप ये वीडियो में आए हैं तो आप यही जानना चाहते, आप यही सोच कर आए, फॉरेवर में बहुत टेंशन है, फॉरेवर बंदे जोड़ने का काम है, फॉरेवर कभी मत करना। तो मैं आज आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए तो आपको जितने भी क्वेश्चन है फॉरेवर को लेकर वो सारे क्वेश्चन आपके हल होने वाले हैं, आपका माइंड सेट होने वाला है। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है, आपको एंड में मैं गिफ्ट भी देने वाली हूँ, इसलिए आप एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आप कहते हैं कि फॉरेवर बहुत टेंशन वाला काम है, फॉरेवर बंदे जोड़ने वाला काम है, तो ऐसा कौन सा काम है जहाँ पर बंदे ही नहीं होते हैं, बंदे जोड़े नहीं जाते बिना? अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, उस रेस्टोरेंट में अगर लोग ही नहीं आएंगे, कस्टमर ही नहीं आएंगे, तो मेरा रेस्टोरेंट कैसे चलेगा? यही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। एकदम आप अच्छे से बैठकर शांति से इस वीडियो को देखिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर मैंने कोई शॉप खोली और मैं कोई प्रोडक्ट की शॉप खोली और वहाँ पर अगर कोई कस्टमर ही नहीं आया, मैंने लाखों रुपए उस शॉप में लगा दिए लेकिन अगर कोई कस्टमर ही नहीं आया तो मैं किस तरह मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? क्योंकि मुझे कस्टमर की ज़रूरत तो होंगी ही ना, ऐसा तो है नहीं कि बिना कस्टमर के एलियन आकर मुझसे प्रोडक्ट लेकर जाएंगे, मुझसे मेरे रेस्टोरेंट में एलियन आएंगे और वो खा के जाएंगे। इसीलिए जब आप फॉरेवर के बारे में बोलते हैं कि फॉरेवर बंदे जोड़ने का काम है, तो कहाँ पर बिना बंदों के काम चलता है ये मुझे बताइए, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, मैं 2-3 दिन पहले एक रेस्टोरेंट में गई खाना खाने के लिए और वहाँ पर एक और रेस्टोरेंट उसके बाजू में था और इधर एक रेस्टोरेंट और इधर एक रेस्टोरेंट, लेकिन इधर वाले रेस्टोरेंट में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और इधर वाले रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमने कहा कि इस वाले रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा खाना होगा, हम यहीं पर खाएँगे भले ही थोड़ा लेट खाएंगे। हम उस रेस्टोरेंट में गए, हमने खाना खाया और बहुत अच्छा उन्होंने सर्व किया, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया, बहुत अच्छा खाना था, बहुत सब कुछ अच्छा था। अब मैंने घर पर आकर मेरी सिस्टर को कहा फ़ोन करके कि हाँ अब तुम्हें जाना होगा तो उसी रेस्टोरेंट में जाना, क्योंकि उस रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं तुम। और फिर मेरी सिस्टर उसी रेस्टोरेंट में गई, ये क्या हुआ? बंदे जोड़ने का काम हुआ। जैसे कि मैंने उसे बताया, वो उस रेस्टोरेंट में गई खाने के लिए तो उस रेस्टोरेंट वाले को कस्टमर मिले, ओके। इससे मुझे फ़ायदा हुआ नहीं, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इसी तरह मैंने मेरी सिस्टर को कहा, आप अच्छे से समझिए इस वीडियो को, कि मैंने यही बात मैंने मेरी सिस्टर को दूसरी तरीके से कही कि वो अपनी स्किन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसकी स्किन थोड़ी डैमेज हो चुकी थी, वो अपनी स्किन को बहुत केयर करती है। मैंने उससे कहा कि तेरी स्किन इतनी डैमेज है, इसके लिए मेरे पास कुछ है, तो मैं तू अगर चाहे तो मैं तुझे मैं वो प्रोडक्ट दे सकती हूँ, तो उसके बाद उनको यूज़ करके मुझे बताना। मैंने उसको वो प्रोडक्ट दे दिए उसने, और मैंने उससे कहा कि मुझे 15 डेज के बाद तू कॉल करना। उसने मुझे 15 दिन पूरे भी नहीं होने दिए, उससे पहले ही कॉल किया कि सिस्टर तुमने जो कुछ मुझे प्रोडक्ट दिए उससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, मेरी स्किन बहुत अच्छी हो रही है, थैंक यू सो मच, और मैं ये प्रोडक्ट की जानकारी बहुत सारे लोगों को दूंगी, मेरे रिलेटिव में दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहती हूँ, मुझे भी इस बिजनेस में आना है। वो मुझसे जुड़ गई, वो प्रोडक्ट सेल कर रही है। ये जानकारी देके मुझे फ़ायदा भी हुआ, मेरे प्रोडक्ट भी सेल हुए, मुझे कस्टमर भी मिल गए,
और मेरे डाउन लाइन भी आ गई। इसी तरीके से हमें करना होता है, हमें घर घर जाकर प्रोडक्ट नहीं बेचने होते हैं, ना ही हमें घर घर जाकर कहना होता है कि आप हमारे साथ जुड़ो। हमें लोगों की हेल्प करनी होती है कि जिस किसी को कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का हल हम बताते हैं। इस वजह से लोग हमसे खुद प्रोडक्ट बाय करते हैं, हम उन्हें बेचने के लिए नहीं जाते। आप अगर ये सोच रहे हैं कि फॉरएवर बंदे जोड़ने का काम है, तो फॉरएवर ही नहीं हर कोई काम बंदे जोड़ने का है। यह आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि कौन सा काम बिना बंदों के होता है। हर जगह आप अगर छोले भटूरे का ठेला लगाएंगे, वहाँ पर भी आपको बंदों की ज़रूरत पड़ेगी। एलियन खाने नहीं आएंगे, आपको छोले भटूरे बेचने के लिए भी लोगों को जमा करना होगा, और लोग आपके पास से खा के जाएंगे, वो किसी और को खाने के लिए भेजेंगे कि यहाँ पर अच्छे छोले भटूरे मिलते। बात आपको समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रही है तो इस नंबर पर मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगी। मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है कि फॉरएवर में किस तरीके से काम करना होता है, और बंदे तो हमें हर जगह लगते हैं। बंदे जोड़ने का तो काम हर जगह ही होता है, किसी का तरीका अलग होता है, किसी का तरीका अलग होता है। अगर अब भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे, अब भी आपकी बल्ब नहीं जली तो आप मुझे कॉल कीजिए। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मैं भी एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी, मुझे भी फॉरएवर का ऐप भी नहीं आता था। मुझे भी लोगों ने मना किया, क्योंकि जो लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं वो आपको भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो अपना भी दिमाग चलाइए, अपना माइंड खोलिए, और अपने दिमाग से आप खुद सोचिए कि करना क्या होता है हमें, हमारे लिए, हमारे खुद के लिए। मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं एक अच्छी टीम में गई हूँ, मुझे एक अच्छी टीम मिली है, TLF टीम, उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, और मैं आज आपको बता रही हूँ कि फॉरएवर से अच्छी कोई कंपनी नहीं है, फॉरएवर से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। करना हो ज़िंदगी में कुछ तो फॉरएवर करो। मैंने आपसे कहा था कि एंड तक बने रहिए, मैं आपको एक गिफ्ट दूंगी, तो उसी गिफ्ट को मैं आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिफ्ट के तौर पे डाल रही हूँ। उस वेबिनार के भी लोग बहुत सारे पैसे लेते, लेकिन हम आपको बिल्कुल फ्री वेबिनार गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं। उस वेबिनार को आप पूरा देखिए, ब्लू लिंक को क्लिक कीजिए, उसको पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप मुझे कॉल कीजिए, SMS कीजिए। आप खुद की ID खुद भी बना सकते हैं फॉरएवर की। मेरी स्पॉन्सर ID स्क्रीन पे दिख रही है, डिस्क्रिप्शन में भी है। उस ID को आप देखिए, उस ID से आप अपनी ID बना सकते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि फॉरएवर सबसे अच्छा बिजनेस है एक हाउसवाइफ के लिए और सबके लिए घर बैठे बिजनेस। क्योंकि आप अगर रेस्टोरेंट भी खोलेंगे तो आपको बहुत सारा दिमाग, बहुत सारा काम, बहुत कुछ करना होगा, लेकिन फॉरएवर घर में बैठे आराम से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, और साजिदा को अपनी दुआओं में याद कीजिए। बाय बाय।